नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग ANM क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आप लोगों का जो पिछला क्लास हुआ है जिसमें कि हम लोग मिडवाइफरी का क्लास कंटिन्यू रखे हैं, और उसमें आज हम लोग PVR क्वेश्चन इसी का इस टॉपिक का देखने जा रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कॉल करके आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो नया बहाली है इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तैयारी जिसका रहेगा उसी का हो पाएगा। जो रेलवे का बहाली है उसमें भी ANM वाले भर सकते हैं। तो इन सब पदों के लिए और जो बिहार वाले वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो जल्दी आने वाले हैं, तो इन सारी बहाली के आपको तैयारी होना चाहिए इनमें जॉब करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 24 में हमको जॉब ले लेना है तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, PDF मिलेंगे, साथ ही क्लास भी मिलेगा, और जो भी ANM की नई बहाली आएंगे उसकी सारी सूचनाएं आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो भाग छेदन का प्रकार है वो क्या कहलाता है, लेटरल या जे आकार या मीडियो लेटरल या मीडियन। आप लोगों का यदि आंसर पता हो तो उसका कमेंट करके आप लोग उस मतलब कि नंबर देकर, जैसे नंबर है सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर देकर कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि इसका ये आंसर ये होंगे। तो हम जैसे कि आगे और क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, यदि उसका आंसर आपको पता रहेगा तो ज़रूर आप लोग उसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर ये होंगे, इससे आपकी तैयारी और भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेंगे। तो उसको जो भाग छेदन का जो प्रकार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो मीडियो लैटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मीडियो लैटरल उसको कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव है, मतलब कि प्रसव का जो समय होता है उस समय में ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव, मतलब कि इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो दुष्प्रभाव क्या है, झटके तथा कोमा में जाना, या उच्च रक्तचाप, या शरीर से अधिक पानी की हानि, या मां को पीलिया हो जाना। तो क्या होगा, तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका कि मतलब झटके तथा कोमा में चले जाना, मतलब प्रसव के काल में ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने से सबसे गहन जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो क्या चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो झटके तथा कोमा में जाने का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकर को सामान्य लिखा जाता है जब हुआ, मतलब कि किस रंग का हो जाए, गहरे लाल रंग का या भूसे रंग का एवं साफ हो, या गहरे भूरे रंग का हो, या हरे एवं पीले रंग का हो। तो लाइकर को जो सामान्य लिखा जाता है वो कब लिखा जाता है, तो ये आपका मतलब कि लिखा जाता है कब, जब भूसे का रंग के समान एवं साफ हो, तब उसका क्या मतलब कि लाइकर को समान रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोगों का जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। जैसे कि इससे पहले हम यदि बात करें तो आपका जो थ्योरी क्लास हुए हैं उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा कुछ उसमें बताए गए थे, और भी यदि आपकी हम बात करें तो और भी उसमें आपको डिटेल्स में समझाया भी गया था। तो और यदि आप लोगों का उसमें भी डाउट रह गया हो तो आगे की जो क्लासेज होंगे उसमें हम लोग और भी उसको क्लियर करते चलेंगे। अगला है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त की हानि कितनी होती है, जब एक नॉर्मल प्रसव होती है डिलीवरी तो उसमें रक्त की हानि कितना, मतलब होती है कि 100 ml या 1000 ml, 200 ml या 500 ml, तो कितना की हानि होती है, तो उसमें आपका 500 ml की हानि होती है। कितना की अधिकतम हानि होती है, तो 500 ml की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि फोटोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तारण डॉट डॉट में होता है,
मतलब पूर्ण विस्तारण होता है या 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो फोटोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल का जो विस्तारण है वो कितना हो जाता है, यदि वो 4 सेंटीमीटर होता है तब उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब कि विस्तारण कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर तक। हालांकि निम्नलिखित में से किसी केस में कार्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए, मतलब कि किस केस में कार्ड को कैसे, मतलब कि कार्ड का जो केस होते हैं उसमें देर से क्लैंपिंग करना चाहिए। जब शिशु जन्म लेते हो तो आपको पता है कि क्लैंपिंग किया जाता है, तो उसकी भी रीज़न बताएंगे। तो मतलब कि कब किया जाना, इस केस में कब किया जाता है देर से, मतलब क्लैंपिंग करना चाहिए कम वजन शिशु हो तब या समय से पहले जब शिशु जन्म ले लेता है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल जो शिशु का जन्म का अवधि होता है 9 महीना बाद होता है। कभी कभी आपके पास ऐसा भी केस आ जाएगा जो 7 मंथ में ही मतलब कि डिलीवरी हो जाता है, या RH असंगत हो या परिपक्व शिशु हो, किस समय में मतलब कि किस केस में कार्ड को देर से क्लैंपिंग करना चाहिए, तो ये किस किस में किया जाता है, तो परिपक्व शिशु के केस में। किस में, तो परिपक्व के शिशु के केस में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रस्त माँ को कौन सा आहार लेने की सलाह देती है, मतलब कि गर्भ अवस्था धारण, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान जब क्योंकि गर्भ अवस्था धारण करता है तो उच्च रक्तचाप भी होते से ग्रसित हो जाती है माँ, तो उनमें कौन से आहार लेने की सलाह देनी चाहिए, सामान्य या कम रेडियस वाले या उच्च प्रोटीन वाले या कम सोडियम युक्त, तो किस टाइप के आहार लेने की सलाह देनी चाहिए, इसमें सामान्य के कैसा, तो सामान्य आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज है, मतलब जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसका डोज कितना है, 1 mg या 1 ग्राम या 2 mg या 2 ग्राम। तो जन्म के बाद शिशु को विटामिन के जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो ये आपका 1 mg दिया जाता है। कितना दिया जाता है, तो 1 mg दिया जाता है। और एक बार हम फिर से आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको निश्चित ही इस क्लास से बेनिफिट होंगे और आपको तैयारी बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, जिससे कि आपको जो भी बहाली अभी आने वाले हैं ANM के उसमें आप कॉन्फिडेंटली अपना 1 सीट तो निश्चित कर पाइएगा और अपना जॉब ले पाइएगा। और इसके लिए आपकी क्लासेज जो चल रही है इस नंबर पर 7087029960507829 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप भी करिएगा, कॉल से ज़्यादा बेटर रहेंगे, व्हाट्सअप करके आपको सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगे। जैसे व्हाट्सअप करिएगा आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगे उसके रिगार्डिंग, और उसके बाद आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा जोखिम होता है क्या चीज़ का, भ्रूण अंग का विकार आना, समय से पहले प्रसव, या भ्रूण के लिम्ब में विकार, या झिल्ली का समय से पहले फटना। तो क्या आ सकता है, तो उस केस में आपका समय से पहले प्रसव आ सकते हैं, क्या हो सकता है, तो समय से पहले प्रसव हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हालांकि स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं माइमोजेनेसिस, क्या कहते हैं, तो माइमोजेनेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत DPT की पहली खुराक देने का समय है, सार्वभौमिक जो टीकाकरण अभियान चलाया गया इसके अंतर्गत जो DPT की जो खुराक है
वो कितने समय अवधि पर दिया जाता है? सर 1.5 वर्ष या 2 से 2.5 महीना या 1 से 1.5 महीना या जन्म के तुरंत बाद? तो ये खुराक कब दिया जाता है? तो ये खुराक जनरली 1 से 1.5 महीना बाद दिया जाता है। कितने महीने बाद? तो DPT का जो खुराक है वो 1 से 1.5 मंथ बाद दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दवा का नाम है। मतलब कि प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किया जाने वाली दवा का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन या ब्रोमोक्रिप्टिन या सल्फ्यूराइड्स या मेटाक्लोप्रामाइड्स। तो प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपको ब्रोमोक्रिप्टन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो ब्रोमोक्रिप्टन दवा होती है वो दिया जाता है किसके लिए? तो प्रसव के बाद जो स्तनपान को मतलब कि दबाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का? तो ब्रोमोक्रिप्टन का। हालांकि नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब कि नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने का प्रमुख उद्देश्य होता है क्या? एनीमिया का रोकथाम या क्लोटिंग विकार दूर करना या क्लोटिंग कारक के बनने में सहायक करना या हीमोलिसिस की रोकथाम करना। तो नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन देने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है? तो क्लोटिंग कारक के बनने में सहायता करने के लिए ये दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि अगला जो फेंटेनल का अगला और पिछला भाग होता है, कह रहे अगले फेंटेनल के सामान्य आकार होते हैं कैसा, किस आकार का होता है? चकोर, त्रिकोण, डायमंड या गोलाकार। और पिछले फेंटेनल का कैसा होता है ये आप लोग उत्तर दीजिए, क्योंकि हमने पिछले क्लास में वो बता चुके हैं। तो आप कितना याद करते हुए चल रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। जो भी क्लास ज्वाइन किया उसको PDF में मिल चुका है, वहाँ पर देख कर भी बता सकते हैं। तो अगले फेंटेनल का जो सामान्य आकार होता है वो कितना होते हैं? तो वो आपका डायमंड आकार का होता है। कैसा होता है? तो डायमंड आकार का। पिछले का क्या देखे थे? चकोर देखे थे। अगले का कैसा होता है? तो डायमंड आकार का। डायमंड मतलब कि हीरा का आकार आप देखे हैं किस तरीके से होता है, तो उस तरीके से वो होता है। करें कि नवजात शिशु का अगला फेंटेनल बंद होता है, जो नवजात शिशु है उसका अगला फेंटेनल बंद कब होता है? 6 से 8 महीने में या 16 से 18 महीने में या 1 से 1.5 महीने बाद या 10 से 12 महीने में? तो ये फेंटेनल अगला फेंटेनल कब बंद होता है? तो ये आपका 16 से 18 महीना में जाके बंद हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है, यदि गर्भवती कोई महिला है उसको द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है, तो उसे प्रसव अवस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए? फोकल्स स्थिति या लिथोटोमी या बाएं करवट लेटाना या सीधा लेटाना? तो कैसा मतलब कि स्थिति देनी चाहिए? तो उस अवस्था में जो स्थिति देना चाहिए वो किस तरीके से देना चाहिए, किस टाइप का? तो फोल्क्स स्थिति। कैसे देना चाहिए? तो फोल्क्स स्थिति। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि प्री एक्लैम्पसिया होने पर भ्रूण में कौन सा जटिलता हो सकती है? IUGR एनीमिया या हाइड्रोप्स फिटेलिस या बड़ा शिशु? तो किस प्रकार का मतलब कि भ्रूण में जटिलता हो सकती है, तो उसमें किस तरीके जटिलता देखने को मिलती है? तो आयु
जी आर किस तरीके क्या, तो आई यू जी आर मतलब जटिलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, जब झिल्ली सातवें हफ्ते के बाद फटे लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब झिल्ली सातवें हफ्ते के बाद फटे लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको समय पर झिल्ली का फट जाना कहते हैं, मतलब कि पहले हफ्ते में फट जाता है तो समय पर ही मतलब कि फट जाना झिल्ली का कहा जाता है। अगला है कि यदि स्त्री को पी एक्लैम्पसिया है तो कौन सा लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट कराना चाहिए, हृदय जलन या पैर में सूजन आने पर, हल्का पीठ दर्द या तीव्र सिर दर्द, तो किस स्थिति में यदि स्त्री प्री एक्लैम्पसिया से पीड़ित है तो उसमें कौन से लक्षण होने पर अस्पताल में रिपोर्ट करना होगा, तो उसे मतलब कि तीव्र सिर दर्द आने पर अस्पताल में रिपोर्ट करना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि सर्वाइकल एंस्कलार्ज की प्रक्रिया किस प्रकार के गर्भपात की रोकथाम में की जाती है, सेप्टिक गर्भपात या पुनरावर्ती गर्भपात, आंशिक गर्भपात या अपूर्ण गर्भपात, तो किस प्रकार के लिए ये किया जाता है, तो ये पुनरावर्ती गर्भपात के लिए किए जाते हैं, किस प्रकार के लिए, तो पुनरावर्ती गर्भपात के लिए। अगर है कि एक्लैम्पसिया से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, 3-4 क्वेश्चन अभी तक आप लोग देख चुके हैं, इस तरीके से एक जगह सारा क्वेश्चन रहेंगे तो आपको उस टाइप से कोई क्वेश्चन आएंगे तो छूटने की जो चांसेज है वो बहुत कम रहेंगे। अगला है कि एक्लैम्पसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है, ऑक्सीटोसिन या सोडा बाई कार्बाइड या मैग्नीशियम सल्फेट या डाइजीपाम, तो किस तरह का मतलब कि प्रमुख दवा दिया जाता है, तो इसमें जो प्रमुख दवा दिया जाता है वो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, कौन सा, तो मैग्नीशियम सल्फेट दिए जाते हैं। अगला है किस प्रकार के गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है, असफल गर्भपात में या आंशिकता गर्भपात या अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात में, किस प्रकार के गर्भपात में निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है, तो यह किस में किया जाता है, तो ये आंशिक गर्भपात में किया जाता है, किस में, तो आंशिक गर्भपात में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाय की गर्भ के बाहर आरोपण होने वाले गर्भ का प्रमुख स्थान कौन सा होता है, तो ये कौन से स्थान होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ होता है, तो ये प्रमुख स्थान जो गर्भ से बाहर आरोपण करने का जो गर्भ का प्रमुख स्थान है वो कौन सा है, तो फैलोपियन ट्यूब है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि ट्यूबिकल गर्भ अवस्था में आरोपण का प्रमुख स्थान कहाँ होता है, तो ट्यूबिकल गर्भ अवस्था में आरोपण का जो प्रमुख स्थान होता है वो कहाँ होते हैं, तो वो आपका होता है एम्प्यूला में, कहाँ होता है, एम्प्यूला में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि रिगली फॉर सेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है, तो रिगलिक फॉरसेप को किस प्रकार का फॉरसेप कहा जाता है, इसको छोटी फॉरसेप कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी फॉरसेप से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में एचआईवी के स्क्रीनिंग के लिए किए जाने वाला टेस्ट क्या होता है, गर्भ अवस्था में एचआईवी से जो संक्रमित होता है तो उसको स्क्रीनिंग करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया, पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉट या इम्यूनो फ्लोरेंस SSIFA या एंजाइम इम्यूनो एसेस, तो कौन से स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है टेस्ट, तो इसमें जो गर्भ अवस्था में एचआईवी के स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, जो प्रमुख टेस्ट है वो आपका है EIA, कौन है, EIA एंजाइम इम्यूनो एसेस, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन हम लोग आज कवर किए,
नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। कल सैटरडे है, कल क्लास होंगे, संडे का क्लास आपका ऑफ रहते हैं, तो कल का क्लास निश्चित ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।